पटना में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी है। रुपेश पटना के शास्त्री नगर इलाके के पुनाई चौक में कुसुम विला अपार्टमेंट में रहते थे, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनके अपार्टमेंट के सामने ही गोली मारी है। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए घायल को पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी इलाज की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आए दिन सरकार सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सुशासन के सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि इस तरह की घटना को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना को वहीं आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि गोली मारने वाला अपराधी कौन था और किस वजह से गोली मारी गई है। हालांकि इन तमाम बातों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस लगातार इस बात की जांच पड़ताल कर रही है, हालांकि सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। सर, घटना घटी, सर क्या कुछ समाचार की घटना है? एक रुपेश कुमार हैं, इंडिगो में मैनेजर थे, उनको गोली मारी गई है। इलाज के लिए उनको पारस ले जाया गया है, वहाँ भी हमारी टीम काम कर रही है। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं, और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कितनी गोली लगी है सर, ये कुछ वो अभी हम लोग बताएंगे, अभी देख के बताएंगे, डॉक्टर जैसा बताता है। सर फिलहाल कैसे हो? डॉक्टर से बात होगी, मैं बताया पारस हॉस्पिटल भेजा गया उनको इलाज के लिए, फिर आगे आप लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।